क्योंकि बाकी लोगों पर उनका विश्वास भी नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को इस तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हमें किसी न किसी रूप में जाकर उनसे मिलकर बातचीत करें। तो जो लोग बहुत अधिक बंदूक उठाने वाले नहीं है, बंदूक उठाते भी नहीं है, परंतु बंदूक उठाने वालों के चक्कर में पड़कर कुछ थोड़े बहुत बदनाम हो गए हैं लाचारी में, ऐसे लोगों को हम समेट सकते हैं। जब उनको हम समेटेंगे तो जो माओवादी हैं उनका अगली पीढ़ी जो रिक्रूटमेंट करने के लिए, भर्ती करने के लिए आदमी चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच का इन्होंने जिक्र किया था, ये एक रास्ता हो सकता है, परंतु काम जरूर कठिन है, परंतु करना चाहिए। दूसरा, हमारे धूमल जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रभक्ति के संबंध में उन्होंने बताया, मैं थोड़ी सी एक छोटा सा कहानी बता दूं जो आज के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है। एक बार भारत का कोई यात्री जापान घूमने गया था, घूमते घामते एक बौद्ध मंदिर में घुस गया। वहां दो बच्चे जिनकी उम्र 10-12 वर्ष की थी, बुद्ध भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। उस भारतीय बड़ा चालाक था, बुद्धिमान था, चालाक नहीं बुद्धिमान था। उन्होंने कहा कि भाई ये किसके सामने है, ये किसकी पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये हमारे बुद्ध भगवान है, जिन्होंने हमको इस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमको ज्ञान दिया, उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हम आराधना कर रहे हैं। तो चूंकि विद्वान आदमी था, उन्होंने पूछा कि मान लो अचानक बुद्ध भगवान जिंदा हो गए और तुम्हारे जापान में हमला कर दिया तो तुम तब भी पूजा करोगे क्या? तो दोनों ने कहा कि हम लोग सबसे पहले उनको गोली मार देंगे। राष्ट्रीयता ऐसा होना चाहिए, अगर कोई भी बड़े से बड़े आदमी देश के लिए अगर गलत काम करता है, चाहे हमारा पूज्य ही क्यों ना हो, आराध्य पूजनीय आदरणीय सब होते हुए भी यदि अगर देश के प्रति गद्दारी करता, देश के प्रति गलत काम करता है, तो उसको पहले दंड मिलना चाहिए। ऐसी राष्ट्रीयता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में इसकी कमी है। हमने देश को, देश की बाहर और भीतर की रक्षा दो भाग में बांट दिया है। सीमाओं की सुरक्षा सैनिक को दे दिया, सैनिक मरे कटे शहीद हो गए, शहीद मनाएंगे, उनको परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पता नहीं क्या क्या चक्र दे देंगे, और बाकी जो आंतरिक व्यवस्था है उसमें हमारे जो देश की जो पुलिस विभाग है उसको हमने जिम्मा कर दिया। बाकी जितने हम सभी हैं बिल्कुल निश्चिंत हैं, सीमा की सुरक्षा सैनिक करेंगे, आंतरिक सुरक्षा हमारे पुलिस व्यवस्था जो हम किए हैं वो करेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है ना, ये देश ना सैनिक का है, ना ये देश ना सिपाही का है, ये देश तो 125 करोड़ लोगों का है। और हम सभी 125 करोड़ लोग जब तक देश के लिए हम सोचेंगे नहीं तब तक देश बचेगा नहीं। दूसरे के भरोसे अपने घर को बचाने को चाहेगा वो घर बचता नहीं। इसलिए हम सभी लोगों को इस दृष्टिकोण से चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और भविष्य के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए, और तब शायद
जो देश हमारे जो आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि महाआबादी ने धमकी दे दिया है कि 50 साल में, गृह मंत्रालय ने कहा कि 50 साल में महाआबादी भारत में भारत का तख्ता पलट देंगे, तो उनके बड़े नेता ने कहा कि नहीं 50 साल नहीं, 50 साल के पहले हम करने के लिए तैयार हैं और हमको सैनिक की जरूरत नहीं है, माओवादी सैनिक तख्ता पलट करने के लिए काफी। एक व्यक्ति इतने जोर से बोल रहा है और हम इतने लोग हैं, सब भयभीत हैं, ऐसे नहीं चलेगा। देश के लिए, देश की जिम्मेवारी जितना औरों को है उतना हमको भी है। समाज को ठीक दिशा में ले जाने के लिए जितने कम और लोग का सोचते हैं उतना हमारा भी है। और ये जिस दिन हमारे मन में ये विचार आ जाएगा कि हम सभी लोगों का देश के हित में काम करना, सोचना, चिंता करना, चिंतन करना, लोगों को जगाना, जागृत करना हम सबों का काम है और सब लोग यह काम करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि काम बहुत हल्का है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर हर व्यक्ति अपने बगल के आदमी को जगा दे तो कोई समस्या ही नहीं रह गया है। इसकी कमी है, ये कैसे, इस परिस्थिति को हम कैसे खड़ा कर सकेंगे, इसका प्रयास। ये फेंस तो एक छोटा एक उदाहरण मात्र के लिए, हम सभी को काम करना पड़ेगा। और इतना जिस दिन हमने निश्चय कर लिया कि हम सभी लोगों को भारत के बच्चों की तरह एक राष्ट्र स्वाभिमान जग जाए और राष्ट्र में कोई भी आघात करने, हमला करने, कोई भी किसी तरह का आंतरिक हो बाहर हो, हम सभी मिलकर उनको ठीक करने के लिए जिस दिन हम मन में सोच लें उसी दिन भारत में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे तरफ टेढ़ी आंख देखे। मैं ऐसे ज्यादा बोलूं नहीं, वैसे अब लोकसभा का उपाध्यक्ष होने के बाद हम लोग को बोलना तो बंद ही हो गया है, बोलने वाले को रोकना पड़ता है, इसलिए इसका मर्यादा रखते हुए बहुत अधिक ना कहते हुए ये प्रयास फिंस का है, सराहनीय है। सौभाग्य से इन लोगों ने कैसे कैसे हमको भी जोड़ दिया है, हम लोग लगे हुए हैं। कई बार यहाँ आने के पहले भी कई बार दिल्ली में बैठक हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई, आगे भी इसे मैंने वहां भी एक सुझाव दिया था, यहाँ भी सुझाव देना चाहूंगा। जो एक आने वाली पीढ़ी है उनको हम एक बार अलग से सारे देश में जो अपने भिन्न भिन्न जो अनुसांगिक क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित युवा वर्ग हैं उनका हम बहुत बड़ा सम्मेलन करें और राष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए, ये विषय उनके उनमें रखें तो शायद और अधिक विषय अच्छा आएगा, क्योंकि भविष्य में भारत को संभालने वाले वही आने वाली पीढ़ी है। इतना मैंने आग्रह किया था, आज मैं इसे आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।